कर दोस्तों, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, काफ़ी रिसर्च के बाद में EWS पर मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये और बहुत रिसर्च की है इसमें, और इससे SC ST OBC वालों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और काफ़ी नंबरों पे पड़ रहा है। मतलब ये है कि EWS की वजह से ST SC OBC की मेरिट हाई जाएगी। कितनी हाई जाएगी वो मैं बताऊँगा, और EWS वाले जो जनरल वाले हैं उनको इसका कितना फ़ायदा होगा मैं आपको पूरी चीज़ में बताने वाला हूँ। वीडियो की अनाउंसमेंट मैंने परसों करी थी, पर कल हम ला नहीं पाए इसमें, क्योंकि पूरी रिसर्च रहना बाकी था। बिना रिसर्च के आपके सामने वीडियो लाना सही नहीं लगा मुझे, और इस वजह से ही अभी तक इसमें हम लगे थे। और IPC की जो आपकी पता है डेली केस स्टडी क्लास होती है, वो भी इसकी वजह से नहीं हो पाई। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आज आपकी क्लास नहीं आ पाएगी। अभी मुझे बाहर भी जाना है, तो केस स्टडी क्लास आज नहीं आ पाएगी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो EWS से हम शुरुआत करते हैं। देखो, आपको पता ही है आर्थिक जो स्वर्ण है, जो स्वर्ण आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए EWS कैटेगरी बनाई गई थी, और इसमें 10% सीट जो है EWS की वो रिजर्व होती है। सबसे पहली बात तो ST SC OBC को इससे कितना नुकसान होगा। देखो, पहले क्या था, जैसे 50% सीट तो जनरल के लिए होती थी, तो उसमें क्या था, OBC वाले और ST SC वाले अपनी सीट पर तो फाइट करते ही करते थे। OBC OBC ST वालों की बात करूँ, SC ST वाले OBC वाले अपनी सीटों पर तो फाइट करते करते थे, अब जनरल वालों की सीटों पर फाइट करेंगे करते थे मतलब पहले। अब क्या होगा, EWS के आने के बाद में 10% जो सीट हैं वो खाली EWS जो जनरल वालों की है वो रिजर्व हो चुकी हैं। अब क्या बची, मात्र 40% सीट। और 40% सीट होने के कारण अब इसमें जनरल भी है और OBC ST SC वाले भी हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो OBC ST और ST वाले हैं, जो जिनकी अच्छी खासी तैयारी होती थी वो जनरल से डालते थे फॉर्म। बहुत बच्चे होते थे OBC वालों को, तो मैं काफ़ी को जानता भी हूँ जिन्होंने UP कॉन्स्टेबल में भी जनरल से फॉर्म डाला था, OBC के होते सोते भी और ST SC वालों को भी। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब बिकॉज 40% सीट तो कम रहेगी, अब इस पर जनरल भी फाइट करेगा। OBC ST वाले जो जो जनरल सीट पर भरने वाले थे वो अपने कोटे में ही भरेंगे, मतलब कोई OBC का है वो भी OBC में भरेगा, SC का है वो भी SC में भरेगा, और ST वाला है ST में भरेगा। और जिसके नंबर पहले, आपको पता होगा कि मान के चलो 206 पर मेरिट लगी जनरल की, ठीक है, और OBC वाला है, OBC के मेरिट लगी 190 की और SC वाले की लगी 180 पर, ये एग्जाम्पल है। अगर SC वाले के 206 नंबर से ज़्यादा आते थे तो वो जनरल में जुड़ जाता था, OBC वाले के जनरल वालों से ज़्यादा नंबर आते थे तो वो जनरल में जुड़ जाता था। पर अब ये सिर्फ 10% सीट तो खाली उसके लिए रिजर्व होगी, जनरल वालों के लिए। तो इसमें तो ना ही कोई OBC वाला घुस सकता है, ना ही SC वाला घुस सकता है, ना ही ST वाला घुस सकता है। तो इसका प्रभाव तुम देख लेना, इस बार जनरल वालों के जो सिलेक्शन है वो काफ़ी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे यूपी सब इंस्पेक्टर में। तो उसकी कहानी क्या है, देखो, अब जो बच्चा था OBC वाला ST SC वाला, वो ज़्यादातर जो बच्चा है वो, क्योंकि 40% सीट ही रह गई है, 10% सीट का मतलब है बहुत कम से कम 300 से 400 सीट कम होना। और इतनी ही सीट जाती थी OBC ST SC के पास, 10% सीट ही जाती थी जब वे जनरल कैटेगरी से भरते थे या उनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई आके जनरल में गिने जाते थे, तो 10% सीट जाती थी। अब 40% पर जो जनरल के भरने वाले हैं OBC ST SC वाले, वो नहीं भरेंगे अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, क्योंकि जो बच्चा टॉपर है जिसकी अच्छी तैयारी है तो उसको इतना पता है कि मुझे कहाँ फॉर्म डालना है कहाँ नहीं फॉर्म डालना है। तो ST SC वाला OBC वाला सिर्फ अब जब वो अपने क्राइटेरिया में डालेगा, हाँ अगर उसका ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो वो जनरल की सीट घेर सकता है, पर जनरल की सीट अब जल्दी सी नहीं घेरेगी क्योंकि 10% तो यहाँ पर हो गया, तो ये बच्चे भी इसको EWS भी काटना पड़ेगा। और जब उसके जनरल के नंबर बराबर आएंगे तो भैया जनरल में गिना जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है, SC ST और OBC इनकी मेरिट अगर पहले जाती थी 110 नंबर पर, तो अब कम से कम जाएगी 120 नंबर पर। और दरोगा का पेपर तो 400 नंबर का है, 400 नंबर का पेपर है, तो कम से कम 15 नंबर मेरिट हाई मान लो ST SC OBC की जनरल में EWS की वजह से। अब बात करते हैं खाली उसकी, जनरल वालों की। तो जनरल वालों, मेरी एक बात सुनना, आपने देखा होगा हरियाणा राज्य में और बहुत से राज्य हैं कहीं कहीं EWS की मेरिट हाई जा रही है जनरल से, बल्कि होना तो ये चाहिए कि मान के चलो 102 नंबर पर EWS की लगी है और 104 नंबर पर आपकी। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि OBC वाले जो स्टेट में सेंट्रल में जनरल में आते हैं वो भी इसमें भर सकते हैं, या जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है वो भी इसको भर सकते हैं क्या EWS को। तो 102 पर EWS की है और जनरल पर 104 पर है, तो EWS वालों के जिसके 104 नंबर आ गए उसको वो जनरल में गिनना चाहिए। पर बहुत से राज्यों में मैंने देखा है उसमें EWS की सीटें, मतलब जो EWS की मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है। ऐसा हुआ जो 40% सीट है जनरल की बची हुई है उसमें भाई, जो पूरा जो एक तरह से पूरा वो है, जो एक तरह से अगर पूरा हम वो देखें इसका पैटर्न देखें, तो जिसकी 10% से ज़्यादा आएगा वो जनरल में गिना जाएगा। और जस्ट जनरल की कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो सिर्फ जनरल वालों के लिए होती हैं,
जो सिर्फ जनरल वालों के लिए ही होती है, उसमें ना ही कोई ईडब्ल्यूएस वाला सकता, ना ओबीसी, ना एससी, ना एसटी। ये हर सरकार का नियम होता है कि जनरल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ सीट बचा के रखें जिस पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। तो उस सीट के होने के कारण अगर ईडब्ल्यूएस के फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, ज़्यादा मतलब ईडब्ल्यूएस के फॉर्म ज़्यादा ही भरे जाते हैं, क्योंकि आजकल तो मैंने जिससे ही बात करी सबके ईडब्ल्यूएस के फॉर्म बन रहे हैं। मतलब सबका, अगर किसी का घर बड़ा है तो उसने अपने चचा ताऊ के नाम करवा लिया वो घर अपने पास 180 स्क्वायर फुट, जब किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है उसने अपने भैया की भाभी के नाम करा दिया, क्योंकि अगर आपके दो भाई हैं, आप कुंवारे हो और एक एक भाई की शादी हो रही है, तो उसका परिवार तो अलग हो गया तुम्हारे परिवार से, तो उसने उसके नाम करा दी। भाई विश्वास तो होते ही है परिवार में। मतलब एक सर्टिफिकेट के लिए तकरीबन तकरीबन आप ये मान लो जनरल वालों के सबके ही ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बने चुके हैं। तो इस वजह से इस बार उम्मीद ये है कि जनरल से भी मेरिट हाई जाएगी, जनरल से भी मेरिट हाई जाएगी ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट सबके बन चुके हैं उसमें, यूपीएसआई में। पर एक तरह से अगर देखी जाए, अगर ये पैटर्न ना फॉलो करा जाए, जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी बचाती है खाली जनरल जनरल के लिए, अगर उनको भी भर दिया जाए कि नहीं भाई बिल्कुल प्रॉपर वे चलेगा, तो ईडब्ल्यूएस की लो जानी चाहिए। पर ओबीसी में अगर हम देखें तो ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और जनरल में और एससीएसटी में इस बार ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा कट ऑफ का। तो मैं तो बस एक बात ही कहूँगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप ईडब्ल्यूएस में भरने वाले हों तो भरने को रहने दो। अगर आपको पता है कि मैं 310 में लेगी जनरल की और मैं 320 नंबर ला रहा हूँ, बल्कि 310 तो एंड है दरोगा भर्ती का, मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा आराम से पूरा एनालाइज करवा के, 320 ला सकता हूँ, तो आपको जनरल में ही बढ़ने का फायदा है। सही बता रहा हूँ बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ वो भरे, ईडब्ल्यूएस में वो भरे जिसको अपने ऊपर डाउट है, अगर किसी की तैयारी अच्छी है तो वो जनरल में डाल सकता है। पर जो ओबीसी वाले हैं, एसटी वाले हैं और एससी वाले हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, भूल के भी अब जनरल में मत डाल देना फॉर्म, क्योंकि जनरल में कंपटीशन होगा बेहिसाब भाई, क्योंकि 10% तो ईडब्ल्यूएस ले गया, 10% तो ईडब्ल्यूएस ले जा चुका है, अब 40% में, 40% में सिर्फ जनरल है। तो अगर आप उसमें भी घुसोगे तो आप अपनी सीट भी गवाई। ओबीसी वाला अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस हो, ओबीसी वाला अगर किसी के भी 340 नंबर ही आ रहे हैं उसकी तो बात अलग है, पर अगर कोई नॉर्मल बच्चा है मैं उसको इतनी सलाह दूंगा किसी की बातों में आके, ओबीसी वाला, एसटी वाला, एससी वाला जनरल में सीट मत डालना, जो तुम्हारी अपनी सीट है उस पर ही डालना। अगर तुम्हारे नंबर जनरल के बराबर आ रहे हैं तुम तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाओगे, पर जनरल की सीट मत डालना डायरेक्ट, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी ये मत सोचना। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, जो हमने देखा है हरियाणा में भी ईडब्ल्यूएस की मेरिट हाई गई है, तमिलनाडु का एक बैंक का पेपर हुआ था उसमें भी जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो जनरल से हाई जा रही है। अब जो उसका लॉजिक है हमारे हिसाब से तो ये लॉजिक है, गवर्नमेंट के हिसाब से क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ये कहा है केरला की और हरियाणा की कि देखो जी जनरल के लिए, जनरल के लिए जो हमारी 40% की सीट बची थी सिर्फ, उसमें से हमने 25% सिर्फ जनरल जनरल वालों के लिए रिजर्व करी थी। अगर आप कोर्ट में जाते हो ना, कोर्ट में जो कोई जाए केस कर दे कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, तो सरकार को ये पूरी वो है कि अगर उन्हें लगता है कि सामान्य जो जनरल की सीटें हैं अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो कुछ सीट वो अपने अधिकार में ले सकती है, मतलब कुछ सीट वो सिर्फ जनरल वालों के लिए रिजर्व कर सकती हैं, समझ गए? तो ये बिल्कुल अधिकार है हर सरकार को। तो इसी वजह से हरियाणा में ईडब्ल्यूएस की मेरिट हाई गई, तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस की मेरिट हाई गई, और ये सरकार भी ऐसे ही करेगी, क्योंकि भाई बात ऐसी है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सबके बन चुके हैं और जिसके ना बने आराम से बन भी जाएंगे। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर कोई जनरल का बच्चा है और उसकी तैयारी अच्छी है तो भैया आप डाल लो जनरल से, और जिसको लग रहा है डाउट कि भाई मेरा डाउट है मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो वो जनरल से भर सकता है, पर जनरल में रिक्स ईडब्ल्यूएस से भर सकता है, पर ईडब्ल्यूएस में रिक्स है, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट जनरल की कितनी सीट संरक्षित कर ले, समझ रहे हो? गवर्नमेंट पता नहीं अपने अंडर में कितनी, जो जनरल के लिए खाली कितनी सीट रिजर्व कर ले, मान के चलो 4 सीट है, गवर्नमेंट को लगा नहीं कि भाई ईडब्ल्यूएस भी ज्यादा हो गए, ओबीसी एसटी भी ज्यादा हो गए, तो हम 300 वैकेंसी जनरल जनरल के रिजर्व कर सकते हैं, तो बताओ 100 सीट बचेंगी, 100 सीट ईडब्ल्यूएस वाले भी फाइट, मतलब ईडब्ल्यूएस की तो अपनी है, पर उस 100 सीट के बाद में जब ईडब्ल्यूएस वाला जनरल की सीट पर फाइट करेगा, उसमें ही ओबीसी वाले आ गए, उसमें एससी एसटी वाले आ गए, उस पर ओबीसी वाले आ गए, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट तो आई जाएगी जाएगी, ओबीसी की मेरिट भी। तो इसी वजह से तो पैटर्न देखा गया है ओबीसी में और जनरल में अब काफी फर्क नहीं रहेगा, जनरल की मेरिट में, ओबीसी की मेरिट में, एससी की मेरिट में, एसटी की मेरिट में अब ज्यादा फर्क नहीं रहे करेगा। और आप देख लेना, पहले आपने देखा होगा एसटी एससी की 10 10 15 15 नंबर कम मेरिट लगती थी, अब मुश्किल से 8 से 9 नंबर का फर्क रहेगा बस। और ये पैटर्न ईडब्ल्यूएस की वजह से बदला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की भाई 10% तो बिल्कुल संरक्षित होगी सवर्णों के लिए, और आप देख लेना इसकी वजह से सवर्णों की है, जो जनरल के बच्चे हैं, बल्कि जो उनका पूरा अधिकार है भाई,
मान के चलो ईडब्ल्यूएस को ओबीसी को तो अपना आरक्षण मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, तो जो 50% सीटें वो तो जनरल की हैं, भले चाहे उस पर आप कॉम्पिटिशन दे दो, पर जो उनका हक है वो 50% का तो उनका है ही। पर उसमें क्या होता था, पहले ओबीसी वाले आ जाते थे, एसटी एससी वाले थे, एससी वाले आ जाते थे तो दिक्कत होती थी। अब 10% सीट तो पूरी की पूरी जनरल वाले भरेंगे ही भरेंगे, 10% तो सिर्फ उनकी रह गई। वो जो 40% है, 40% में से कुछ गवर्नमेंट रिजर्व करेगी, वो जो बचा कुचा माल है उस पर ईडब्ल्यूएस भी लड़ेगा, उस पर ओबीसी भी लड़ेगा, उस पर एसटी भी लड़ेगा, उस पर एससी भी लड़ेगा। तो जनरल वालों को इससे बहुत लाभ हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई, मैं फिर से कह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की मेरिट पूरे पूरे आसार है यूपीएसआई में हाई जाए जनरल से भी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ज्यादातर सबका बनना है। मैंने जिससे ही बात करी है, जितने भी हमने रिसर्च करी है, फेसबुक पे हमने सर्वे कराया है, यूट्यूब पर हमने सर्वे कराया है, तकरीबन तकरीबन सभी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन चुका है। और जो फिलहाल जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बहुत से सवाल हैं कि सर हम क्या ईडब्ल्यूएस से भर सकते हैं, तो भाई ईडब्ल्यूएस से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो जो शर्तें आपके लिए हैं वही शर्तें नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, मतलब कि ईडब्ल्यूएस के में ये फायदा है, आप भर सकते हो ईडब्ल्यूएस से, चाहे आपकी सरकारी लग रही हो या नहीं, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया कि 8 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, 200 स्क्वायर फुट से, मतलब वो तो आपको सब पता ही है कि क्या क्या क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस का। तो अगर एक गवर्नमेंट जॉब है बी या सी ग्रेड की, तो उसमें आपको पता है तनख्वाह इतनी होती नहीं, जीएसटी पीएसटी और टीडीएस पीडीएस सब चीज़ कटती हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का जो हमने हमने जो हिसाब लगाया है, हमारे हिसाब से ईडब्ल्यूएस की मेरिट हाई जा रही है यूपीएसआई के लिए। और ओबीसी एससी और एसटी, इनकी मेरिट भी 4-4, 5-5 नंबर हाई जा रही है आराम से, इतना तो नॉर्मल है। मतलब कहने का मतलब मैं ये रहा है, मेरा ये है कि जो गैप था पहले, जो गैप था मान के चलो जनरल की 200 पे लग गई, ओबीसी की लग गई 190 पर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एससी की लग गई 180 पर, एसटी की लग गई 180 पर, इन दोनों को एक ही ले लेते हैं, तो गैप कितना था, यहाँ 10 नंबर का है जनरल की स्कीम मेरिट में, यहाँ 10 नंबर का है, तो इसमें 5 नंबर का गैप आ जाएगा। मतलब ओबीसी लगेगी अब जा 195 पर, तो इसकी लगेगी 185 या 187 पर, तो इतना इतना फर्क आ रहा है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि भाई जो जनरल वाले हैं, अगर किसी को लगता है कि भाई मैं ईडब्ल्यूएस से नहीं करके जनरल में डाल दूंगा और उसमें मेरा हो जाएगा, तो भाई मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और कोई ओबीसी वाला और एसटी वाला ये गलती मत कर दियो इस बार कि आप जनरल से फॉर्म डाल लो, ठीक है, अपना जो आपका वो है ओबीसी एसटी वाला, आप अपनी सीटों पर लड़ो, आपके अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो आप सीधी सी बात है नॉर्मल जनरल में डाल ही दिए जाओगे, पर क्योंकि कॉम्पिटिशन इस बार जनरल सीटों पर घना होगा, बेहिसाब होगा, ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल की सीट पर लड़ेंगे, समझ गए ना, तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वे भी जनरल की सीट पर लड़ेंगे, और कुछ जनरल की सीट रिजर्व रहेंगे सिर्फ जनरल वालों के लिए, और जो सिर्फ कुछ सीट बचेंगी उन सीट पर ईडब्ल्यूएस भी लड़ेगा, ओबीसी भी लड़ेगा, एससी भी लड़ेगा और एसटी भी लड़ेगा। तो जो कुछ जो बची हुई हैं जिन पर सभी लड़ते हैं उन पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा, तो इससे फर्क पड़ेगा बहुत, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, ये हमने रिसर्च किया है इतने दिन से, इसमें लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है ईडब्ल्यूएस की मेरिट के चांस पूरे लग रहे हैं कि ये हाई जाए, ही मैं ये इसकी हाई जाने के चांस है पूरे। मैं फिर कह रहा हूँ कहीं पर कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ऐसा है कि संविधान में लिखा हुआ है कि, पर एक सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अधिकार है हर राज्य को, अगर वो चाहता है कि जनरल वाली सीट उनको बचानी है, उन्हें लगता है कि जनरल वाली सीट पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, या जनरल वाले सीटों के जनरल की सीटों पर ज़्यादा, मतलब जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके साथ में ज़्यादा जाति हो रही है, तो वो कुछ सीट रिजर्व कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने भी यही करा था और तमिलनाडु सरकार ने भी यही करा था, और इसी वजह से ईडब्ल्यूएस की मेरिट उन राज्यों में हाई गई थी। तो आपने देखा होगा दो 2019 की गवाही दे रहे हैं कि 2019 में आईएएस की बहुत कम मेरिट गई थी, तो वे पुराने हैं, ये पुराने फॉर्म है। अब दिल्ली पुलिस का देख लेना तुम ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी जाएगी, तो वे पुराने फॉर्म है, उनकी बात नहीं कर रहे हम, जो नए फॉर्म है, क्योंकि पहले 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म आया था। अब जिसने भी वहां पर ईडब्ल्यूएस की भर्ती होगी ना, जिसने एनटीपीसी में ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर दिया होगा, ईडब्ल्यूएस से भर दिया होगा, मैं ये कह रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से भी नीचे जाएगी मेरिट, किसमें, एनटीपीसी में, क्योंकि उस टाइम पे ना तो इतनी जागरूकता थी, ना ही किसी का सर्टिफिकेट बना था, तो जनरल के भी बहुत कम बच्चों ने डल रहा है ईडब्ल्यूएस में, एनटीपीसी में, पर जो अब आने वाली भर्ती है ईडब्ल्यूएस में हर कोई डल लेगा, ईडब्ल्यूएस में हर कोई डालेगा, हर कोई, तो उससे फर्क पड़ेगा बहुत, बेहिसाब फर्क पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, जो पिछले वाली मेरिट्स हैं, जो 2019 के पेपर की मेरिट हैं, 2018 की मेरिट, 19 की मेरिट ही होगी क्योंकि 19 में पास हुआ था, तो 19 वाले पेपरों की जो मेरिट आ रही है फिलहाल, आप उसके बेस पर हिसाब मत करो। जो कुछ पेपर लेटेस्ट हुए हैं ना, जिनके लेटेस्ट बिल्कुल इस साल के अंदर अंदर हुए हैं और जिनके रिजल्ट भी अभी अभी आए हैं,
वो तो कोरोना वायरस हो गया, नहीं तो आपके जो बीच में एग्जाम होते हैं ना, आपके सामने पूरा रिजल्ट आ जाता और आपको लग जाता पता। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई जनरल से मैं लड़ सकता हूँ, तो AWS में कोई जरूरत नहीं है डालने की। और एक तरह से देखी जाए तो भाई ये गरीब सुवर्णों के लिए बनाया गया था, सीधी सी बात है, गरीब सुवर्णों के लिए बनाया गया था ये। तो अगर कोई जनरल वाला बच्चा है और उसकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने भाइयों की, जो गरीब है, जो गरीब स्वर्ण है, अगर आप स्वर्ण होकर किसी गरीब स्वर्ण का हक मार रहे हो, तो आपसे बड़ा भी बस क्या बताऊं। अगर आपके घर की कंडीशन अच्छी है, आपके घर में हर चीज की फैसिलिटी है, एक तो ये स्वाभाविक रूप से भी देखा जाए तो अगर किसी घर की कंडीशन ठीक है ना, तो वो जनरल में डाले फॉर्म। पहली बात तो AWS में डालने का कोई फायदा नहीं, अगर आप डाल ले हो तो आपको दो तरह से हक मार रहे हो, एक तो मेरिठाई आई जाएगी, ठीक है मेरिठाई जाएगी, दूसरी बात उन गरीबों सवर्णों का भी आप हक मारोगे। सीधी सी बात है, जो गरीब हैं, जिन जो पिछड़े हुए हैं, जिनके लिए प्रॉपर बनाया गया था, आप उनका हक मारोगे। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ, EWS से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। आपके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, आप अपने अपने तर्क दे सकते हैं कमेंट में, बस मैं इतना ही कहूँगा। और जो OBC वाले हैं, जो सेंट्रल में आते हैं जनरल में, और जो स्टेट में आते हैं उसमें OBC में, तो भाई अगर आप स्टेट में OBC में आते हो और कोई स्टेट का एग्जाम है, तो आप OBC में रहोगे, वहाँ आप EWS नहीं लगा सकते। अगर आप सेंट्रल में जनरल में आते हो, तो वहाँ आपका EWS लग सकता है, समझ गए। जैसे जाट कम्युनिटी है, गुज्जर कम्युनिटी है, ये क्या है, ये जो जाट्स हैं, जो गुज्जर हैं हमारे भाई, तो उनका क्या है, ये स्टेट में तो आते हैं OBC में, और राज्य मतलब जो सेंट्रल में आते हैं जनरल में। तो भाई ये जो EWS का सर्टिफिकेट है, ये आपका स्टेट में नहीं चलेगा, ये आपका केंद्र में चलेगा, बस आप इतने ध्यान बात रखना। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कल क्लास आपकी IPC की जरूर होगी। और इन द एंड मैं आपसे ये कहूँगा, चैनल कर दो सब्सक्राइब, अगर आप चैनल बनाए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।